गुरवे गौरचन्द्राय राजिताय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द प्रियाद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हम लोग गुरु वैष्णव के आनुगत्य में मुझे कीर्तन होता ना कीर्तन हरि बोल। हम लोग गुरु वैष्णव के आनुगत्य में श्री वृंदावन धाम परिक्रमा करते करते अभी जिस मंदिर में हम उपस्थित हुए हैं ये मंदिर का नाम श्री अष्टशक्ति मंदिर है। यहाँ पर आप लोग देखे होंगे राधा कृष्ण और एक तरफ में चार सखियां और दूसरे तरफ में ये चार सखियां हैं। ये कृष्ण के लिए विशेष करके ये आठ सखियां हैं। तो ये आठ जो सखियां हैं ये सखियों का क्या काम है और ये सखियां क्या करती हैं? श्री रूप गोस्वामी कहते हैं इनका काम है ये राधा कृष्ण को मिलन कैसे कराए, इनको मिलन कराने का काम है। और ये लोग अपना पतियों को वंचित करके है अपना शरीर रूपी पतियों को वंचना करके वो राधा कृष्ण को साथ में मिलना और इनकी सेवा में मदद करना इनका काम है। इसलिए इनके तीन तरह का सखियां है, कहते हैं कि तटस्थ और एक स्वपक्ष और एक विपक्ष है। कहती है तटस्थ मतलब क्या, कृष्ण को भी प्रेम करते हैं और श्री राधा रानी को भी ये प्रेम करते हैं, लेकिन जैसे ललिता विशाखा आदि सखियां हैं लेकिन ये करने पर भी लेकिन थोड़ी राधा की तरफ में ये ज्यादा झुके हुए हैं। कभी ये तटस्थ है, कभी ये विपक्ष कौन है, कभी ये विपक्ष जो कृष्ण को केवल कृष्ण को ही प्रेम करते हैं लेकिन राधा रानी को प्रेम नहीं करते। कहते ये स्वपक्ष कौन है, बोले जो केवल श्री राधा रानी को जो प्रेम करती है, केवल श्री राधा रानी को प्रेम करती है, राधा रानी की खुश में खुशी और राधा जी का दुख में ये दुखी ये सखियां की सखियां है, जिनको ये मंजरी कहती है, जिनको ये मंजरी कहती है। कहते ये कृष्ण ये विभिन्न सखी रूप में ये सब क्यों प्रकट हुए हैं, इसलिए जिसको वेद कहता है वो एक मेव अद्वितीय वो एक ही है वो एक अपि बहुस्याद, जिसको श्री बृहदारण्य उपनिषद में बताया स वै नैव रमे नैव रमत स द्वितीय में चल। जब कृष्ण एक थे अभी वो सोच रहे हैं वो एक को द्वारा लीला पुष्टि नहीं हो सकती जब तक बहु नहीं हो, इसलिए कृष्ण गोलोक वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे कृष्ण खड़े हुए हैं। अभी इनकी मन में इच्छा हुई लीला करने के लिए लेकिन एक स्वरूप से लीला कर ही नहीं सकते, इसलिए इतने में कृष्ण का जो बाम अंग फड़कना शुरू किया, फड़कते फड़कते कृष्ण की बाम अंग से एक दिव्य किशोरी प्रकट हुई है जो 16 श्रृंगार द्वादश आभरणों को पहनते हुए सुंदर रूप में प्रकट हुए। कहते ये रास से प्रकट हुई इसलिए इनका पहला अक्षर पड़ गया रा, लेकिन ये प्रकट होकर के सुंदर सुंदर पुष्पों को चयन करते हुए कृष्ण की सेवा के लिए धावित हुई इसलिए इनका नाम पड़ गया रा। बोले श्रीमती राधा रानी की, जोर से बोलो बोले श्रीमती राधा रानी की। अभी वो एक से दो हुए,
अभी राधा रानी सोच रही है मैं अकेला कृष्ण को मैं कितना सेवा कर सकती हूँ, इसलिए बहु सखी बिना नहे रसे रे उल्लास। अतः जब तक जैसे एक प्लेयर थोड़ी को जैसे फुटबॉल प्लेयर क्रिकेट प्लेयर वो अकेला थोड़ी खेल सकता है, जब तक उसमें वो 11 होते हैं ना, इसलिए नहीं वो थोड़ी थोड़ी खेल सकते हैं। अभी इनका नाम राधा है, राधा मतलब क्या बोले अनयाराधितनु नाम भगवान हरिश्वरम, जो कृष्ण को विशेष पूर्वक जो आराधना करती है ये श्रीमती राधा रानी। अभी राधा रानी सोच रही है मैं एक स्वरूप को जरा कितना मैं सेवा करूं, तब राधा रानी अपना कायोद्भिह रूप में अपना एक एक भाव को राधा रानी एक एक रूप देती है। ये विशाखा, ललिता, चंपकलता, तुंग विद्या, चित्रा, सुचित्रा, रंग देवी, सुदेवी, ये राधा रानी और एक एक भाव को राधा रानी के एक एक रूप प्रदान करती है। ये अनंत सती रूप में ये सबके सब राधा रानी प्रकट होती है। केवल इतना नहीं, रूप मंजरी, रति मंजरी, लवंग मंजरी, रस मंजरी, बहु मंजर रूप में राधा रानी, अनंत रूप में राधा रानी प्रकट होकर के कृष्ण की अनंत सेवाओं को ये प्रकाश करती है। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कल्याण गोस्वामी ये कहते हैं, जैसे एक अदम वृक्ष, कमाल वृक्ष देखने में बड़े सुंदर है, लेकिन अगर उसमें लता अगर उसमें चले जाए तो और सुंदर हो जाए। बल्कि ये कमाल वृक्ष स्वरूप कौन है, बोले कृष्ण है। बल्कि ये लता स्वरूप कौन है, बल्कि ये श्रीमती राधा रानी। लता तो सुंदर, लेकिन अगर उसमें पत्ते आ जाए और सुंदर लगेगा। बल्कि ये पत्ते कौन है, कभी ये ललिता विशाखा आदि सखियां पत्ते हैं, लेकिन अगर उसमें मंजरी आ जाए, अगर उसमें सुंदर सुंदर फूल आ जाए कितना सुंदर नहीं लगेगा। कभी ये मंजरिया सखी कौन है, बोले ये मंजरी ये सखी है। इसलिए कृष्ण तो सुंदर है ही है, कृष्ण तो सुंदर है ही है, लेकिन जब तक श्याम सुंदर का तरफ बाम तरफ में जब तक ये राधा रानी नहीं हो कृष्ण पूर्ण सुंदर नहीं। इसलिए तोता कहता है, हाँ तोता कहता है मेरे कृष्ण हम मदन मोहन है, लेकिन मैना क्या कहती है, बोले तब तक ये मदन मोहन नहीं जब तक हमारे श्री किशोर जी श्री राधा रानी कृष्ण की बाम तरफ में खड़े नहीं हो, वो केवल मदन ही है, नहीं तो मदन मोहन नहीं। लेकिन और सुंदर कब लगे, जब उनको पास में सब सखियां बेष्टित हो वो और सुंदर लगती है। और इसलिए राधा रानी अनंत रूप में कृष्ण सेवा के लिए वो अनंत रूप धारण करती है श्री राधा रानी। इसलिए हमारे गोस्वामी लोग कहते हैं बोले तांबुलम भक्त ललिताम विशाखाम गंध चंदनी चामरे चंपकलता तुंग विद्या तुनर्तनी सुदेवी जल सेवायाम राग श्री रंग देवी के। ये जो आठ सखियां हैं वो क्या क्या सेवा करती हैं, बोले तांबुलम भक्त ललिता, कहते ललिता की सेवा किया है, कहते तांबुल, तांबुल समझ तो पान की बिड़िया, बड़ी सुंदर पान की बिड़िया देती है, जिसको श्री राधा रानी और कृष्ण जैसे पिड़िया को खा करके ना उनका मुंह तो लाल हो जाता है। पहले लिपस्टिक लगाने का जरूरत नहीं था, अभी जो लिपस्टिक लगाते लिपस्टिक नहीं वो अपने आप है, पान खाने से अपने आप उनकी होंठ अपने आप लालिमा हो जाती थी। इसलिए ये ललिता सखी, यदि ये ललिता सखी के बगैर है इसलिए कृष्ण की कोई भी सेवा नहीं हो सकती है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना, ललिता विशाखा दी जत सखी प्रेत आज्ञाय करीब सेवा चरणार विंद। जब तक ललिता सखी की कृपा नहीं हो तब तक राधा कृष्ण की जुगल सेवा में जीव का अधिकार नहीं हो सकती है। ये ललिता सखी इतने तेजी इतने प्रखरा ललिता सखी, कहते इनको कभी कभी कृष्ण भी डरती और राधा रानी भी डरती है। ये दोनों ही ललिता सखी को डरती, दोनों ही डरते हैं, क्योंकि ये दोनों को ये शासन करती है। इसलिए राधा रानी को शासन करती है, बोले देखो राधे खबरदार, जब मान करती है ना श्याम सुंदर जब थोड़ी सी मनाते हैं झट तुम्हारी मान नीचे उतर आती, खबरदार ये मान को छोड़ना नहीं, क्योंकि जब तक तू मान करते रहोगी श्याम सुंदर तब तक चरण में पड़े रहेंगे। अगर मान छोड़ दिया ना तो चंद्रावली के पास चले जाएंगे,
इसलिए खबरदार बांध बांध छोड़ना नहीं, इसलिए उनका शासन करती है और कृष्ण का भी शासन करती है। अगर राधा कृष्ण कभी पासा खेल रहे हैं, अगर कभी राधा रानी की पल्ला अगर थोड़ी सी ढीला हो जाए, कृष्ण का पल्ला अगर थोड़ी भारी हो जाए ना, इतने में ललिता बीच में आकर के श्याम सुंदर को ऐसे प्रखरा है ना, श्याम सुंदर चुप रहो, ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं, हमारी ईश्वरी बड़ी तो हमारी श्री ईश्वरी की जीत है। इसलिए यदि ललिता सखी अगर ब्रज में कोई अगर छोटी कोई लड़की अगर जन्म हो जाए, ये ललिता सखी क्या करती है, ये ललिता सखी राधा रानी की प्रसाद वस्त्र ले जाती है, ले करके जैसे रुचि परीक्षा होता है ना, बच्चों का रुचि परीक्षा होता है, जो घोटन पर चले जाए बहुत सारी चीज को रख लेते हैं, और ये ललिता लेकर के राधा रानी के प्रसादी वस्त्र भी रख लेती है। वो बच्चा अगर घुटन पर चलते 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 अगर वो राधा जी की प्रसादी वस्त्र को छू देना, ललिता को पता चल जाती है ये बड़ी होकर के ये चंद्रावली के पक्ष में नहीं, हमारे श्री किशोर जी के पक्ष में रहेगी, हमारे श्री राधा जी की पक्ष लेने वाली, इसलिए बड़े प्रसन्न हो जाती है। और ललिता की इसके ऊपर नजर हर समय ललिता की रहती है, ये हमारी राधा जी की ये साइड में लेने वाले हैं, हैं? अगर किसी अंदर में ये ललिता सखी थोड़ी सी भी गंध देख ले, राधा जी को प्रति इनकी विशेष प्रेम है, थोड़ी सी गंध देख ले बस, कभी ललिता सखी प्रचेष्टा करती है ये कैसे श्री राधा जी की चरण की सेवा प्राप्त करे। ललिता सखी बड़े सावधान से क्या करती, उसको राधा जी के घर में ले आती है। इसलिए ललिता सखी की विशेषत्व, इसलिए ललिता तांबुलम विशाखाम गंध चंदने, कहते विशाखा क्या करती है, कहते सुंदर सुंदर गंध चंदन इस करके श्री जुगल सरकारों की विशेष रूप में उनके श्रृंगार करती है ललिता, ये विशाखा सखी, इसलिए इनका नाम विशाखा। विशाखा मतलब क्या है, बोले विशेष पूर्वक शाखा, विशेष पूर्वक शाखा। इसलिए कभी कभी कृष्ण के सखा लोग बोले कन्हैया तुम्हारे हाथ दिखाओ, तो कृष्ण हाथ दिखाते हैं, बोले देखो तुम्हारे हाथ में ये बता रहा है एक सुंदर एक है मानस सरोवर है, ये मानस सरोवर में एक हंसी उसमें क्रीड़ा कर रहा है, तुम्हारे हाथ रेखा ये बता रहा है एक हंसी क्रीड़ा कर रही है, लेकिन एक हंस उसको पीछा कर रहा है वो पकड़ने के लिए, लेकिन वो हंसी को पकड़ नहीं पा रहा है। बोले तू सही बताए, तुमने बात मेरे मन की बात बता दिया, वो हंसी कौन है, बोले श्रीमती राधा रानी, बोले हंस कौन है, ये श्याम सुंदर, अभी हंस कोशिश कर रहा है हंसी को राधा जी को पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ नहीं पा रहा है। बोले कृष्ण बता, मेरे मन की बात बता दी, बोले वो हंसी को ये हंस कैसे प्राप्त कर सकता है, बोले एक उपाय है अगर वो विशाखा को अवलंब करे, हैं? कहते अगर विशाखा, विशाखा मतलब क्या, जैसे किसी पेड़ के ऊपर चढ़ना है एक किसी टहनिया को पकड़ना पड़ता, किसी शाखा को टहनिया को पकड़ना पड़ता, तभी वो वृक्ष के ऊपर में कोई चढ़ सकता है, वो कौन है, बोले विशाखा। अगर इसको अगर अवलंबन करोगे ना, फिर तो हंसी को तुम प्राप्त कर सकते। बोले भैया तुम एकदम सही, मेरी मन की एकदम सही बात तुमने बता दिया, इसे बोले विशाखाम गंधन चंदने और चामरे चंपक लता। बोले ये चंपक लता क्या करती है, बड़े सुंदर ये चामर पेजन करती है, चामर चंपक लता तुंग विद्या तु नर्तने, कहती है तुंग विद्या क्या करती, इसका नाम है तुंग विद्या। तुंग विद्या मतलब क्या, विद्या में जो तुंग सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए राधा जी के अंदर में जो विद्या कला है वो एक रूप धारण किया थी, विशाखा ने ये रूप धारण किया है, इसलिए चित्रलेखा क्या करती है, बड़े सुंदर चित्रांकन करती है। ये चित्रलेखा पहले बोलती थी मैं किसी दूसरे पुरुष के मुंह में नहीं देखूंगी, मैं ब्रह्मचारी बनकर रहूंगी, मैं ब्रह्मचारी बनकर रहूंगी, मैं किसी दूसरे पुरुष के मुंह ही नहीं देखूंगी। अभी श्री मैया जसोदा कभी उन्होंने कभी मैया जसोदा ने कभी कोशिश की मेरे कन्हैया को मैं एक चित्रांकन करूंगी, बोले भैया चित्रांकन कौन करती, बोली जो चित्र लिखा है ना ये बड़े एक्सपर्ट है चित्र बनाने के लिए, बोले मेरी लाला की एक चित्रांकन कर दोगे, लेकिन उसने क्या प्रतिज्ञा की थी, मैं ब्रह्मचारिणी बन करके रहूंगी, मैं किसी पुरुष को शादी नहीं करके मुंह नहीं देखूंगी। अभी मैया जसोदा ने चित्रलेखा को बताया मेरे लाला कन्या की एक फोटो बना दे, पिक्चर बना दे,
अभी लेकिन मैया जसोदा को राज रानी अभी इनकी बात को टाले कैसे, एक व्यक्ति का चित्र को अंकन कब कर सकता हूँ, उसका पूरा आंख देखना पड़ेगा, नाक देखना पड़ेगा, उसको गाल देखना पड़ेगा, उसकी एक एक चीज को अच्छी तरह से जब देखोगे तभी जा करके आप कोई चित्र को अंकन कर सकते, नहीं तो चित्र अंकन नहीं कर सकते हो। अगर कृष्ण को एक बार कोई देखे और उनकी आंख की आंख नहीं और तिरछ चितवन नहीं, वो तीर है, उनकी मंद मुस्कार हाट नहीं, कहती जादू है, इनकी जादू है, है? इसलिए कहते अगर कृष्ण रूप को एक बार देखे कोई फिर दुनिया में कोई रह सकता है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते खबरदार कल वृंदावन में मत जाओ, अगर भूल से चले गए ना गोविंद देव को देखो ही मत, बोले उनको तो देखने के लिए आए, बोले भैया अगर देख लिया ना फिर मेरे दोष नहीं देना, एक बार उसको अगर देख लिया ना है एक बार से मूर्ति नयन हेरे केहो नाही घरे फिरे, संसारी जीवर जत है सर्वनाश, ना जायो ना जायो के तीर्थ घाटे सका, एक बार उसको दर्शन किया तो सारा दुनिया का दर्शन देखना बंद हो जाएगा। इसलिए जब चित्रा ने कृष्ण जी के चित्र बनाई, अभी तो श्याम सुंदर टेढ़े, अगर कोई सीधा चीज अंदर में घुसे ना वो तो निकल जाएगी, अगर कोई टेढ़ा चीज निकल घुस जाए तो है तो वो टेढ़ा चीज फिर से निकलने वाले नहीं। इसलिए बोले तो टेढ़ो तेरी तेरी नजरिया, गोकुल तेरी तेरी, मथुरा तेरो टेढ़ो, टेढ़ो रे टेढ़ो तेरी गोकुंद नगरिया, तो टेढ़ो तेरी तेरी न। इसलिए कृष्ण तीन जगह से टेढ़े हैं, इसलिए ये चित्र लिखाने जब एक बार कृष्ण को देखा बाद सारे शत्रु तो खत्म, उसने फिर तो राधा जी की गण में गणित हो गई, श्याम सुंदर का अपना हृदय बैठा दिया। देखो असली सती कौन है, असली सती कौन है, जो श्याम सुंदर के ही अपना प्रतिरूप में स्वीकार करते हो, असली सती वही है, जगत में कोई असली सती नहीं। इसलिए बोले की बा जती सती की बा नीचे जाती, जही हरि नाही भजे तबे जनमिया भ्रमिया भ्रमिया गौ नर भजे, भले तू जति हो सती हो अगर कृष्ण भक्ति नहीं किया तो जति सती का कोई महत्व नहीं, अगर तुमको कृष्ण भक्ति कर लिया तो बस सचमुच से सती है। इसलिए चित्र लिखा तो नर्तने बल बड़ी सुंदरी नृत्य करती है, और सुदेवी जल सेवाया, कहते सुदेवी क्या करती है, उनके जल की सेवा करती है, सुदेवी जल सेवाया, उसके बाद में सुदेवी जल सेवाया, इसलिए कहते जो आज हा? जो आठ सखी हैं, कहते राधा कृष्ण की अनंत अनंत रूप में ये इनकी सेवा करते हुए इनकी प्रसन्नता करती है। इसे जब तक बहु सखी नहीं हो तब तक उनको लीला की पुष्टि नहीं होती है। इसलिए हम सबके सब श्री अष्ट सखियों के पास में आए हैं, ये अष्ट सखियों का मंदिर है, इसलिए श्री सखियों को चरण में कृपा करे, यही यही सखियां हैं। पहले तो गुरु जी के चरण में जाएंगे, गुरु जी फिर परम गुरु जी परमेश्वर गुरु जी, फिर गुरु जी हमें श्री रूप मंजरी को पास में, फिर रूप मंजरी हमें लेकर के श्री ललिता सखी को पास में पहुंच जाएगी, फिर ललिता सखी लेकर के हम सोचेंगे भैया छलांग लगा करके है गुरु जी की कृपा के बगैर हम छलांग लगा करके हम गुरु जी गुरु जी कोई जरूरत नहीं, अपने आप दर्शन कर लेंगे, अपने आप प्रभु को पा लेंगे, बोले नहीं प्राप्त कर सकते हो। इसलिए हमें ये परंपरा होते हुए जाना पड़ेगा, फिर ललिता सखी हमें श्री जुगल सरकार की सेवा में हमें धैर्य अधिकार देती है। इसलिए हम सबके सब ये अंत सखियों के पास में आए प्रार्थना करें, इन लोगों को कृपा से ही एक दिन जुगल सेवा में जीव का अधिकार होगा, और सबसे पहले गुरु जी कृपा करे, फिर सखियां कृपा करे, एक दिन राधा कृष्ण की जुगल सेवा में हमारे प्रवेश हो और हमारे जीवन धन्य हो जाए। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। एकदा हमारे परमहंस महाराज ने বাংলা ভাষায় আপনাদেরকে আমরা গিয়েছিলাম প্রস্কন্দন তীর্থ, তারপরে দাদিতে আদিষ্টিলা আমরা বন্ধুত্ব টিলা গিয়েছিলাম, তিনি এখন আপনাদেরকে বাংলা ভাষায় তিনি বলবেন। হ্যাঁ হরে কৃষ্ণ, আমাদের হিন্দিভাষী এখানে আছে কেউ কেউ, হিন্দিভাষী আছে, হিন্দিভাষী হ্যাঁ ইহাঁ পর কোন কোন হিন্দিভাষী ইহাঁ পর, বঙ্গালি বঙ্গালি বঙ্গালি। হরে কৃষ্ণ
कोई उन्हें ध्वनि डाल देगी